सो हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज पहली न्यूज है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi का एक नया फोन 3C सर्टिफिकेशन में पास हो चुका है और पता चला है कि ये फोन हो सकता है Redmi K30 Pro या फिर हो सकता है Mi 10, ये फोन हो सकता है क्योंकि इस सर्टिफिकेशन के हिसाब से इसमें हमें स्नैपड्रैगन A65 का प्रोसेसर दिखा गया है, यानी कि Redmi K30 Pro एंड Mi 10 ये दोनों ही फोन से जहां पर हमें मिलने वाला था स्नैपड्रैगन A65 का प्रोसेसर, ये दोनों में से कोई भी फोन हो सकता है। आपको क्या लगता है कौन सा फोन पहले लॉन्च होगा, आप वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता ही देना। ट्राई ने एक नया रिपोर्ट लाया है जहां पर उन्होंने कहा है कि इंडिया में 2019 तक कितना मोबाइल डेटा यूज हुआ है और इस रिपोर्ट के अनुसार टोटल 55 मिलियन TB डेटा यूज हुआ है। हाँ, 55 मिलियन TB डेटा यूज हुआ है सितंबर तक ही, अभी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की तो रिपोर्ट आई भी नहीं है। आप एक महीने में कितना मोबाइल डेटा यूज करते हो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता ही देना। उसके साथ साथ आप कौन सा नेटवर्क यूज करते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही देना। अब पता चला है कि Realme X50 में हमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलने वाली है, स्नैपड्रैगन 765G 90Hz वाली डिस्प्ले और भी बहुत कुछ इस फोन में है, वो तो हमें 7 जनवरी को ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। एक रूमर के हिसाब से पता चला है कि सैमसंग गैलेक्सी S11 सीरीज लॉन्च हो सकती है February 11 को। उसके साथ साथ पता चला है कि इस इवेंट में शायद सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 भी लॉन्च हो सकता है। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी S11 होगा या फिर सैमसंग गैलेक्सी S20 होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली न्यूज में कहा था, दोनों में से एक नाम हो सकता है। और रूमर के हिसाब से पता चला है कि ये 11th February को लॉन्च हो सकता है। तो क्या आप गैलेक्सी फोल्ड 2 एंड सैमसंग गैलेक्सी S11 और सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। Vivo ने आज टीज करके बता दिया है कि Vivo S1 Pro लॉन्च होने वाला है 4th January को इंडिया में। इसमें हमें रियर साइड में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है और ये फोन चाइना में भी कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था। इसके स्पेसिफिकेशन तो अच्छे थे, Vivo इसकी प्राइस क्या रखता है उस पर अब ये डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है Vivo इसकी प्राइसिंग क्या रखेगा, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता ही देना। Huawei P40 Pro की एक लीक बाहर आई है और इसके हिसाब से हमें इसमें पेंटा रियर कैमरास दिखने वाला है। मैं आपको फोटो दिख रहा हूँ, इसके हिसाब से हमें पेंटा कैमरास दिखने वाला है और इसमें हमें नोच लेस डिस्प्ले मिलने वाली है। हाँ, अब Huawei ने तो नोच हटाई, साले सबके सब नोच पे नोच देते थे, अब तो नोच का नाम सुनते हैं उनको नोचने का मन होता है। क्या नोच नोच, मुझे नोच नहीं पसंद। अगर आपको भी नोच नहीं पसंद तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड्रॉइड वर्जन लॉलीपॉप के साथ गूगल ने एक लिमिट रखी थी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। उन्होंने रखा था कि 4GB तक की ही हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एक साथ, 4GB तक के ऊपर चला जाता तो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। अब हमें इससे छुटकारा मिलने वाला है क्योंकि एंड्रॉइड 11 के साथ ये लिमिट नहीं लगने वाली। ये गूगल ने कहा है कि एंड्रॉइड 11 में हम जितना चाहे उतने GB का रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये लिमिट को हटाना जरूरी ही था क्योंकि अब जो नए नए फोन आ रहे हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी बहुत हाई होती चली जा रही है, यानी कि 4GB तो बहुत कम है, इसीलिए गूगल ने ये लिमिट हटा दी है। बहुत अच्छी बात है, ये लिमिट को हटाना जरूरी ही था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आई सी नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।